इतना प्रेशर है अपने आप में, बिल्कुल मैं बहुत खुश हूँ। और ये फिल्म बच्चों की फिल्म है, आजकल बहुत कम हम देखते हैं बच्चों की फिल्म, और फेस्टिवल्स में इसे बहुत पसंद किया है। डायरेक्टर हमारे सुमन गांगुली जी बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत सुंदर फिल्म बनाई है। जो कॉन्सेप्ट लेकर आए थे ये यूनिक कॉन्सेप्ट। एज अ डायरेक्टर कितना नर्वसनेस फील कर रहे हैं, पर मूवी रिलीज में प्रेशर है थोड़ा बहुत? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को प्रेशर नहीं है, क्योंकि फिल्में ग्रेसी जैसी मतलब एक्ट्रेस काम कर रही है, तो उनकी कमाल की एक्ट्रेस काम कर रही है ग्रेसी जैसी, तो इनके फिल्में सारे हिट हुई हैं, तो लोगों को पसंद आई है, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी फिल्म भी लोगों को पसंद आएगी। द क्लासिकल सॉन्ग्स एंड द म्यूजिक डांस एंड ऑल्सो बिकॉज इट्स चिल्ड्रन फिल्म एंड इट रिलेट्स टू एवरी चाइल्ड टुडे, एवरी फैमिली। आज जितने भी हम देखते हैं कंपटीशन कितना है बच्चों की ज़िंदगी में, और बहुत सारे रियलिटी शोज़ में हम देखते हैं कि जिसको अवार्ड मिलता है वो तो खुश होता है, और जो इतने सारे टैलेंटेड बच्चे हार जाते हैं वो कितनी डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ये एक रियल स्टोरी है, और उसे हम कैसे बच्चों को इमोशनल स्टेमिना बिल्डिंग सिखाएं और उन्हें फेलियर क्या है उसका मीनिंग बताएं, सो दैट दे आर कॉन्फिडेंट, दे आर हैप्पी एंड दे कैन यू नो एंजॉय द लाइफ। दिल्ली में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, दिल्ली का दिल्ली में बहुत सारे हमारे बुज़ुर्ग और बच्चे आए थे, सबको बहुत पसंद आई फिल्म, और पेरेंट्स ने कहा ये हमारे लिए एक लेसन है, ये बच्चों की फिल्म नहीं है, ये पेरेंट्स की और टीचर्स की फिल्म है, कि उन्हें ये मैसेज दिया है वो अपने बच्चों को कैसे ट्रेन करें और उन पर प्रेशर ना डालें। और हर बच्चा खास है, जो ये कॉम्पिटिशन होते हैं वो टेम्प्रेरी फेज़ है, बट उससे हम मायूस होकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना नहीं छोड़ सकते, इसलिए इसे ब्लू माउंटेन्स टाइटल दिया है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊंचाइयां छूना चाहते हैं नीले आसमान की तरह। रवि सर ने कहा कि आपको मेनली अप्रिसिएशन बहुत मिली है, तो ऐसा कोई यूनिक अप्रिसिएशन आपको मिली है इंडस्ट्री से या फ्रेंड्स से? जी मुझे तो फ्रेंड बहुत सारे मिले, पर हमको बहुत मिली है सर का कहना है, तो आपको कोई यूनिक मिली है? अभी मैं मिलूंगी इन सबसे, इनको तो बहुत मिल चुके हैं अवार्ड फंक्शंस पे, सभी बच्चों ने पेरेंट्स ने, और कल जो प्रीमियर हुआ था उसके बाद बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे। वुड यू लाइक टू गिव एनी मैसेज टू दिस फिल्म? वेल आई विल से एवरीवन शुड वॉच दिस फिल्म, बिकॉज दिस इज जस्ट नॉट अ चिल्ड्रन फिल्म, इट्स अ फिल्म फॉर द मास एंड फॉर द क्लास एज वेल। एवरी फैमिली मेंबर शुड गो एंड वॉच दिस फिल्म एंड दे विल फील क्लोजर व्हेन दे विल फील दिस फिल्म। वैसे मुझे प्लीज अलाउ मी टू आस्क यू, विनोद खन्ना जी की तबीयत खराब है, ही इज समवॉट सीरियस एंड प्रॉबली यू हैव वर्क्ड विद हिम। आई वर्क्ड विद हिम इन चूड़ियां इन पंजाबी फिल्म एंड आई हैव रियली एडमायर्ड ऑल हिज फिल्म्स, हिज वर्क। आई वुड लाइक टू प्रे फॉर हिज गुड हेल्थ एंड विश हिम स्पीडी रिकवरी। हाउ वाज ही एज अ पर्सन? ही इज वंडरफुल, वेरी टैलेंटेड, वेरी इंस्पायरिंग टू वर्क विद सच ग्रेट एक्टर्स, एंड आई हैव बीन वॉचिंग हिज फिल्म सिंस चाइल्डहुड, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ चूड़ियाँ फिल्म में काम करने का। तो बहुत हार्ड वर्किंग है, ग्रेट एक्टर है, तो माय गुड विशेस एंड प्रेयर्स फॉर हिम। थैंक यू सो मच। ओके, ब्रह्मा कुमारी सेन यू आर वेरी स्पिरिचुअल, हाउ हैज इट हेल्प्ड दैट हैज हाउ हैज द स्पिरिचुअलिज्म एक्चुअली? आई जॉइन लेटर, आई जॉइन ब्रह्मा कुमारी आफ्टर आई कंप्लीटेड द फिल्म, बट हाउ डज इट फील बीइंग स्पिरिचुअल एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म व्हिच इज अगेन वेरी गुड फॉर किड्स? यस, इट इज ग्रेट। I always choose films which has a social message and every family person can relate to all the subjects. So this story also has such a beautiful message because it is today's film, what we see every day in our lives, especially children. So इन्होंने कहानी सुनानी मुझे शुरू की थी, पूरी नहीं सुनी थी। The moment he said classical singer का role है, I said why not classical dance? He immediately agreed. That was the reason I signed the film. And then I heard the story after. जी हर फ्राइडे जब फिल्म लगती है तो नर्वसनेस होती है, चाहे जितना भी टाइम बीत जाए, बिकॉज जो मेहनत की है, जो चॉइसेस की हैं, वो जानने को आदमी बेताब होता है कि ऑडियंस हाउ दे एक्सेप्ट द फिल्म। तो हाँ, थोड़ी बटरफ्लाइज तो हैं, बट एक अच्छी फिल्म है ब्लू माउंटेन्स, एक क्लीन फिल्म है, चिल्ड्रंस फिल्म है, फैमिली फिल्म है, और मैं समझता हूँ कि अब जब समर हॉलीडेज़ के आसपास बहुत सही टाइम है, और
उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने परिवार के साथ आके फिल्म देखेंगे। आपके कोई फ्रेंड है ऐसा आपके आपने स्पेशल उनके लिए रखा है या मूवी देखी है ये आपके फ्रेंड? हाँ, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स तो ऑलरेडी अंदर हैं। इसके पहले कल हमने दिल्ली में एक प्रीमियर हुआ है, वहाँ भी थे। तो कैसा रिस्पॉन्स रहा? हाँ, अपने अच्छा। मैंने जैसे कहा, यूनिवर्सल फिल्म है, ऐसी फिल्म है जो हर एक को पसंद ही आएगी, उसमें कोई ऐसी नापसंद वाली कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। तो एनी मेमोरेबल कमेंट मिला है? हाँ, अभी तक यही है कि जो आज जैसे मुझे एक जर्नलिस्ट मिले जिन्होंने प्रेस शो देखा था, तो वो कह रहे थे कि शुरुआत में मेरे कैरेक्टर का लगा था कि मैं यू नो क्यों कर रहा हूँ फिल्म, लेकिन सेकेंड हाफ में उनको समझ में आया, बिकॉज फाइनली जब किक इन करती है स्टोरी और यू नो इमोशंस के जो अलग खेल शुरू होते हैं फिल्म में, तो यहाँ तो अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं। आजकल किड्स की मूवी बहुत कम बन रही है, तो आपका क्या मानना है कि आजकल मूवी ऐसे ज़्यादा? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ चिल्ड्रंस फिल्म बहुत कम बनती हैं हमारे यहाँ, और बननी चाहिए। और मैं खुद जब से पिता बना हूँ तो मेरा तो एक कहते हैं ना, एक इमोशनल अट्रैक्शन बढ़ गया है ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ, ऐसी स्टोरीज़ के साथ। तो इस फिल्म के बाद मैं एक और फिल्म कंप्लीट है, चिल्ड्रंस फिल्म टेनिस बॉडीज़ जो मैंने की है, अब एक और चिल्ड्रंस फिल्म शुरू कर रहा हूँ। तो मतलब पिछले 3-4 साल में मैंने ऑलरेडी 3 चिल्ड्रंस फिल्म के साथ में जुड़ चुका हूँ। सो आई होप और भी लोग बच्चों के लिए और बच्चों के सब्जेक्ट बच्चों के नज़रिए से और फिल्में बनाएंगे। तो